कि हाउ टू गेट बॉट लॉबी इन क्लैश स्क्वाड रैंक मैच। यहाँ पर देख सकते हो हमने अपने क्लैश स्क्वाड के रैंक मैच में अपने अपोनेंट्स में मैच मेकिंग ट्रिक की मदद से अपने अपोनेंट में ब्रोंज और गोल्ड के प्लेयर लेके आ गए। ये अपोनेंट्स में हमारी आइडिया जो कि हमारी नूब अकाउंट्स हैं। और आप लोग खुद सोचो यार, अगर आपके अपोनेंट्स में आपका खुद का आईडी होगा, ब्रोंज गोल्ड का आईडी होगा, तो आप लोग इजिली ग्रैंड मास्टर रीजन पुश कर सकते हो क्लैश स्क्वाड रैंक में। और तुम्हारा केडी कितना ज्यादा हाई होगा, साथ ही में तुम लोग अपना हेडशॉट रेट 80-90 का रख सकते हो। और इस ग्लिच से तुम लोग का आईडी भी सस्पेंड नहीं होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस ग्लिच की मदद से तुम लोग का आईडी भी ब्रोंज नहीं होगा, मतलब तुम लोग का आईडी का रैंक ब्रोंज भी नहीं होने वाला है। बस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना, ट्रिक को एकदम अच्छे से समझ लेना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग का बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड को शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा डाउन है, तो प्लीज याद से शेयर कर देना। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बार ग्लिच यूज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देख लो, हमारे ग्रुप में है 124 स्टार वाला प्लेयर जिसका ग्रैंड मास्टर 1 है, एंड दूसरा प्लेयर है 60 स्टार वाला। एंड सबसे पहले तो तुम लोग देख लो यार, मैं अपने मेन आईडी से इस ग्लिच को यूज करने वाला हूँ, मेन आईडी से तुम लोग को एक ग्लिच करके दिखाने वाला हूँ। बाद में मेरे को कमेंट मत करना कि भाई तुम अपने सेकंड अकाउंट से ग्लिच यूज करते हो, तो देख लो यार। और सबसे मेन बात कि तुम लोग मेरा हिस्ट्री देख लो, हिस्ट्री देख के तुम लोग समझ सकते हो कि ये ग्लिच को मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। एंड फाइनली हम लोग का गेम स्टार्ट हो गया है। एंड इस ग्लिच को यूज करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है हमारे टीजी बॉय अभी भाई का, जो कि है पीसी प्लेयर, जो अभी गोल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसका इस ग्लिच को यूज करने में। वो कैसे तुम लोग को वीडियो में अभी पता चल जाएगा। पहले तुम लोग मेरे अपोनेंट्स देख लो, गोल्ड ब्रोंज डायमंड 2 और प्लेटिनम 3 का बंदा आया। अपोनेंट्स देख लो कितने ज्यादा नूब आए, एकदम बॉट प्लेयर्स आए अपने अपोनेंट में, और ये सब इस ग्लिच का कमाल है। और सोचो अगर तुम लोग के अपोनेंट्स में ब्रोंज का आइडिया आएगा तो तुम लोग इजिली ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लोग फिर से इस ग्लिच को यूज करने वाले हैं। अभी हमारा इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि आप लोग इस ग्लिच को कैसे यूज कर सकते हो। इस ग्लिच को यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोग के पास एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर होना चाहिए, सीएस रैंक का ग्रैंड मास्टर प्लेयर। दूसरा, आप लोग के पास एक पीसी प्लेयर होना चाहिए। जी हाँ मेरे भाई, एक पीसी प्लेयर आप लोग के पास जरूर से होना चाहिए, जो आप लोग की मैच मेकिंग कराने में हेल्प करेगा। दूसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको चाहिए बॉट लॉबी लाने के लिए, वो आपके अपोनेंट्स का एक ऐसा बॉट अकाउंट जिसका यूआईडी आपके पीसी प्लेयर से मैच करता हो। तुम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा, जो मेरा पीसी प्लेयर है उसकी यूआईडी के लास्ट डिजिट 9 है, उसकी यूआईडी का लास्ट डिजिट 9 है। एंड एक आप लोग को अपोनेंट्स का एक ऐसा बॉट अकाउंट चाहिए जो आपके अपोनेंट में आएगा जिसका लास्ट डिजिट 9 हो। और इस ग्लिच को यूज करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहीं पर आने वाली है। आप लोग देख सकते हो मेरे अपोनेंट्स में ग्रैंड मास्टर प्लेयर आगे, मेरी आईडी से मेरा मैच मेकिंग नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि जो मेरे अपोनेंट वाला पीसी प्लेयर है उसने एक सही टाइमिंग पे मैच मेकिंग नहीं करी है। आप लोग का सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, आप लोग को सेम टाइम पर गेम स्टार्ट करना है, सेम आप लोग का मैच मेकिंग रहना चाहिए। लेकिन आप लोग देखोगे कि हमारा गेम बैक हो गया, लेकिन कैसे? अब देखो यार, आपके दो प्लेयर्स को एक टीम से कॉल पे रहना है और आपको कॉल पे ये बात करनी है कि आप लोग का गेम स्टार्ट हो गया है और आपके अपोनेंट में आपका आईडी आया है या नहीं, ये आपको जा करके देखना है। और आपके एक प्लेयर को गेम को मिनिमाइज करके रखना है। अगर आप लोग का मैच मेकिंग आपकी आईडी से हुआ है तो उसको मिनिमाइज करके गेम में रिटर्न आ जाना है। बट अगर आप लोग का गेम उस आईडी से नहीं लगा है जिस बॉट आईडी से आप लोग गेम लगाना चाहते थे, तो आपके दोस्त को गेम मिनिमाइज करके कट कर देना है, तो आपके एक दोस्त का गेम बैक हो जाएगा। एंड जब आप लोग का फ्रेंड गेम में नहीं आएगा ना, तो आप लोग का भी एक प्लेयर ना होने की वजह से आपका गेम बैक हो जाएगा। बट अगर आपकी मैच मेकिंग आपके टीममेट के साथ होती है, मतलब आपके बॉट अकाउंट के साथ होती है, तो ही आपके मिनिमाइज वाले फ्रेंड को गेम में आना है, अदरवाइज उसको पूरा गेम कट कर देना है, तो आप लोग का भी गेम बैक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको 10 में से 2 ही गेम में देखने को मिलेगी। अभी हम लोगों ने एक लास्ट गेम स्टार्ट कर दिया है एंड अभी मैं आप लोग को मेन प्रोसेस बताने वाला हूँ इस ग्लिच का। देखो, सबसे पहले तो आप लोग को दो पीसी प्लेयर चाहिए जिनके यूआईडी का लास्ट डिजिट सेम हो। जैसे जो हमारी टीम में पीसी प्लेयर है उसकी यूआईडी का लास्ट डिजिट 9 है, एंड जो हमारे अपोनेंट में आईडी आने वाली है उसकी आईडी का लास्ट डिजिट भी 9 है। देन फिर आपके पीसी प्लेयर को एक टीम बना लेनी है और आपके अपोनेंट वाले बॉट अकाउंट को भी एक टीम बना लेनी है, जिसमें आपके अपोनेंट वाले बॉट अकाउंट को सिर्फ दो ही टीममेट अपने साथ रखने हैं। आपकी वाली टीम में आपकी पूरी स्क्वाड होगी जो रैंक पुश करने वाली है, बट आपके अपोनेंट में पूरी स्क्वाड नहीं होगी। आपके अपोनेंट वाले पीसी प्लेयर के पास सिर्फ दो ही प्लेयर्स होंगे और उन दोनों ही प्लेयर्स का रैंक ब्रोंज या गोल्ड होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो जिस पीसी प्लेयर से हमने मैच मेकिंग करी है उसका रैंक गोल्ड है, और जो उसने अपनी टीम में दूसरा प्लेयर लेके रखा है उसका रैंक
ब्रोंज है। और ये दोनों चीज करने के बाद आपको सेम टाइम पे सेम मैच मेकिंग पे गेम को स्टार्ट कर देना है एंड आपके अपोनेंट्स वाली आईडी में देखना। दो तो आपके टीममेट्स होंगे जो आपके हाथों से मर जाएंगे, बट दो आपकी अपोनेंट्स की टीम में रैंडम प्लेयर्स आएंगे जिनको आपको किल्स कर देना है। मतलब जो रैंडम में दो टीममेट्स तो आपके होंगे जो खुद एलिमिनेट होकर आपको किल दिला देंगे, बट दो रैंडम प्लेयर्स होंगे जिनको आपको मारना पड़ेगा और इजिली मैच को जीतना पड़ेगा। अब देखो यार, उनके साथ ग्लिच यूज करने के बाद सबसे पहले तो मैं उस फ्रेंड को अपनी फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि भाई लोग मैं सच बोलूं तो मैं कभी अपनी आईडी पे ग्लिच यूज नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ यार, आप लोग को प्रूफ देने के लिए मैं ग्लिच यूज करता हूँ। अब बात कर लेते हैं यार बॉट लॉबी ग्लिच के बारे में और उस मैक्स M10 ईवो के बारे में। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ग्लिच की एक रियलिटी बता देता हूँ। देखो, हम लोग है BR रैंक प्लेयर, यानी कि फुल मैप प्लेयर, और फुल मैप रैंक में जो हमारा बॉट लॉबी आता है वो ग्रैंड मास्टर जाने पे ऑटोमेटिकली फ्री फायर खुद से देता है, जिसकी वजह से फुल मैप रैंक में तो हमारा आईडी बैन होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बट देखो, क्लैश स्क्वाड में आपको अपने अपोनेंट्स में अपना खुद का आईडी लेके आना पड़ता है, और इसमें भाई लोग चांस बढ़ जाते हैं कि आपका आईडी सस्पेंड हो सकता है या फिर आपका रैंक भी ब्रोंज हो सकता है। ध्यान से सुन लो भाई लोग इस बात को, फिर मत बोलना कि मेरा रैंक ब्रोंज हो गया। देखो, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में था ये प्लेयर, इसके साथ मैंने गेम खेला तो इसने मेरे को ग्लिच के बारे में बताया, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग इस ग्लिच को यूज करते हो आपकी मर्जी है, बट अगर आप लोग का रैंक ब्रोंज होता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं पहले बता दूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं। क्लैश स्क्वाड के ग्लिच के बारे में मेरे को कुछ भी बिल्कुल नहीं पता है। मैं क्लैश स्क्वाड रैंक पुशर नहीं हूं, मैं BR रैंक पुशर हूं, बट कंटेंट बनाने के लिए मैं CS रैंक पुश भी कर लेता हूं। एंड यहां पर ये सचिन नाम का प्लेयर मेरी फ्रेंड लिस्ट पे था तो इसने मेरे को CS ग्लिच के बारे में बताया, जो कि मैंने आपको बता दिया। बट आप लोग इसको खुद के रिस्क पे यूज कर सकते हो अगर आप लोग यूज करना चाहते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक M1014 का मैक्स ईवो ग्लिच हमारे पास है। देखो, ये जो मैक्स M10 ईवो का ग्लिच है ना, ये भाई लोग सचिन के पास है, जो कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में अभी नहीं है, जिसको मैंने फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया है। बट मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप लोग इस वीडियो पे 10K लाइक्स करा देते हो, जी हां मेरे भाई, 10K लाइक्स करा देते हो, तो भाई लोग मैं आपको 100% ये मैक्स M10 ईवो वाला ग्लिच लेकर के देने वाला हूं। अब काफी सारे प्लेयर बोलेंगे कि भाई उनके पास पहले से मैक्स M1014 है, तो मैं उनको बता दूं कि भाई ये प्लेयर का आईडी देख सकते हो 8 लेवल का आईडी है, जो कि अभी 2 महीने पहले गेम लॉग इन किया है और 2 महीने पहले ये ईवो रिटर्न नहीं आया, तो जरूर इन्होंने कोई ना कोई ग्लिच की मदद से इस ईवो M10 को अपना आईडी पे लेके आया और मैक्स कर दिया है। और वो ग्लिच अभी तक तो सचिन ने मेरे को बताया नहीं है, बट अगर आप लोग 10K लाइक्स करा देते हो तो मैं उसके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आपको जरूर से ये मैक्स M1014 वाला ग्लिच आपको बता दूंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं कल की वीडियो में। एंड हाँ, ग्लिच को खुद के रिस्क पे यूज करना, पहले बता दूं, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाद में मत बोलना कि आईडी का रैंक ब्रोंज हो गया, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये ग्लिच कितना वर्किंग है और कितना सेफ है।